हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीटीजी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक्सरसाइज लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है लिखना, सेकेंड है चढ़ना, थर्ड है फुदकना, फोर्थ है दौड़ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। तो सूक्ष्म गति कौशल का एक अच्छा उदाहरण है लिखना, क्योंकि यह भाषा के ज्ञान अर्जन हेतु व्यवहार या कौशल में से एक प्रमुख कौशल होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट, लिखना गति कौशल सूक्ष्म का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, सेकंड है आत्मसिद्धि के भाव, थर्ड है जीवन के विषय में परितृप्ति, फोर्थ है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किशोर है किसका अनुभव कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि किशोर है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर न तो बालक होता है और न ही प्रौढ़ होता है। किशोर अनेक बातों के विषय में चिंतन करता रहता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया, सेकंड है डिसलेक्सिया, थर्ड है डिसग्राफिया, फोर्थ है डिसथेमिया। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे जो होते हैं उन्हें सामान्यतः किस प्रकार का रोग या विकार होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया में लिखने संबंधी विकार एक शारीरिक अक्षमता दर्शाता है। तो आंसर इज करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो लाइक करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आंशिक पुनर्वलन, फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, सेकंड है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, थर्ड है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, फोर्थ है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आंशिक पुनर्वलन किस प्रकार का है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा कलर कर देंगे इसे। तो जैसे कि हम बात करते हैं आंशिक पुनर्वलन, तात्पर्य किसी अनुक्रिया की बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना है। आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, क्योंकि सतत पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावशाली विद्यार्थी, फर्स्ट ऑप्शन है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, सेकंड है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, थर्ड है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, फोर्थ है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक टॉमसन के अनुसार, या उन्होंने बताया है कि प्रतिभाशाली बालक मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बालक औसत बालक की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो लाइक करते हैं, हाथ में बाइगोस्की के सिद्धांत का निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, सेकंड है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, थर्ड है सहयोगात्मक समस्या समाधान, फोर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तिकार देना। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि बाइगोस्की का सिद्धांत है, बाइगोस्की का जो सिद्धांत है निर्धारित है किससे, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि बाइगोस्की का सिद्धांत या उनके अनुसार सहयोगात्मक समस्या समाधान है, क्योंकि
इसके अंतर्गत छात्रों का एक छोटा समूह आपसी मतभेद बुलाकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर कार्य करता है, जिससे प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सक्रिय रूप से करता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका हमारा थर्ड, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, हाथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन में वीडियो मिलती रहेंगी आपको। क्वेश्चन देखेंगे, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, सेकंड है प्रतिक्रिया चयन, थर्ड है पूर्व प्रक्रमण, फोर्थ है सरलीकरण। इन चरणों का सही क्रम है, तो सही क्रम पूछा गया है किस प्रकार से है। तो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के बारे में चरणों पूछा गया, तो कौन सा सही प्रकार से या सही क्रम इसका लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, चिंतन मानसिक क्रिया का एक संज्ञानात्मक पहलू है, जो कि चिंतन सूचना का प्रक्रमण के क्रम चरण पूर्व प्रक्रमण श्रेणीक्रम प्रतिक्रिया चयन द्वारा प्रतिक्रिया क्रमण है। जैसे कि अभी अगर हम बात करते हैं, तो हमारा तीसरा इसमें फर्स्ट हो जाएगा कि पूर्व प्रक्रमणिया, क्योंकि हमने जो पहले सीखी चीजें उनके अकॉर्डिंग हमें लागू करना होगा। दूसरा जब बात करती है हमारा हो जाएगा फोर्थ श्रेणीकरण, हमें चॉइस करनी होगी, श्रेणीकरण में इंक्लूड करना होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं सेकंड प्रतिक्रिया चयन, हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है उसके अकॉर्डिंग, तो प्रतिक्रिया करनी होगी। लास्ट में आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, किस प्रकार का कार्य करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा थर्ड फोर्थ सेकेंड और फर्स्ट। थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट है जो कि हमारा फोर्थ में, तो आंसर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा जो से ग्रसित है वह सौ और वॉज न्यूक्लियर और अन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द जम्बलिंग विकार, सेकंड है डिसलेक्सिमिया, थर्ड है डिसमॉर्फिमिया, फोर्थ है डिसलेक्सिया। तो जैसे कि क्वेश्चन को रहा है कि एक बच्चा है किसी रोग से या किसी विकार से ग्रसित है, जो सौ को तो वॉज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अन्यूक्लियर पढ़ता है या अंतर नहीं कर पाता है, तो वो किस रोग से ग्रसित है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इस प्रकार के बच्चे जो सौ को बॉज और न्यूक्लियर को अन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाते हैं, वो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार से या शारीरिक अक्षमता में होते हैं या उस प्रकार से रूप से ग्रसित होते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। सीखने संबंधी निरोगता सामान्यतः है, फर्स्ट ऑप्शन लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, सेकंड है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, थर्ड है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, फोर्थ है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने संबंधी निरोग्यता सामान्यतः किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किस में पाई जाती है। जैसे कि हम बात करती है, सीखने संबंधी निरोग्यता सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक बोर्ड प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन माध्यम से वीडियो मिलती रहेगी आपको। क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बन जाए, या फिर थोड़ा दिखाई दे रहा है आने का होगा, या फिर आने ही मान लेते हैं, विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बना जाए न आने पे, सॉरी एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे। हाँ, इस प्रकार से है कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, सेकंड है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, थर्ड है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन ₹5 देना, फोर्थ है आवासीय विद्यालय खोलना। तो जैसे क्वेश्चन बोला है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए
कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका होगा, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि विद्यालय में वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अवश्य विद्यालय खोलना सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा। इसमें बच्चे को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। तो आंसर द करेक्ट वन इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। सेकंड है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना। थर्ड है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। फोर्थ है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो लिंग स्त्री पुरुष के माध्यम असमान संबंधी या संबंधों की व्याख्या अथवा स्त्री पुरुष भेद के सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करता है। विद्यालय में ऐसे भेदभाव से बचने के लिए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात का अधिसंज्ञान होना आवश्यक है। तो आंसर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सेकंड है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। थर्ड है यह सार्वभौमिक धारण को निश्चित करता है। फोर्थ है यह हाथ के जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सहशैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं सहशैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो आंसर के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, साथ में शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन। सेकंड है अभिभावकों समावेशन। थर्ड है विद्यार्थियों वैसीकरण। फोर्थ है अन्य शिक्षकों अभिवेशन या समावेशन, सॉरी अन्य शिक्षकों समावेशन फोर्थ है हमारा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय समय का जरूर होना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है किस समय का जरूर होना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं अनुसार उपयुक्त सामग्री का चयन किया जा सके। तो आंसर या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, विद्यार्थियों समावेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। सेकंड है कार्य परिहार अभिविन्यास। थर्ड है नैपुणता अभिविन्यास। फोर्थ है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को दर्शाते हैं या आर्थिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास किस प्रकार होता है या क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनमें निष्पादन उपागम अभिविन्यास के लक्षण पाए जाते हैं। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों को में, लाइक करते रहें। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। सेकंड है
मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, थर्ड है मुक्त खेल के लिए समय देने, फोर्थ है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो जैसे क्वेश्चन पूछा ना कि शिक्षक के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, शिक्षक के अलावा और कौन समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों को मजेदार बना सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो समस्या समाधान एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान हेतु सचेत होकर नियोजित ढंग से पूर्ण संलग्न के साथ प्रयास करते हैं। और शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा अन्य सभी के माध्यम से समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाया जा सकता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो बोलते रहेंगे आप नोटिफिकेशन माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सेकेंड है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्याओं से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। थर्ड है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। फोर्थ है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से या निम्न में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है, लाभ यह है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो अभी बात करते हैं विद्यार्थियों सीखे गए नवीन ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर उपलब्ध कराना अंतः संबंधी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका कौन हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय फर्स्ट ऑप्शन है पृथक्करण, सेकंड है अभिभावकों की भागीदारी, थर्ड है क्षमता संवर्धन, फोर्थ है संवेदनशील बनना। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया जिसे समझने का हुआ कि समावेशन सब में सफल है मगर इसके नहीं है, एक के अकॉर्डिंग नहीं है बाकी तीन में है सिवाय इसके, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन सीटेट में इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं इसलिए क्वेश्चन को समझना हुआ। तो जैसे कि आप बात करेंगे कि सफल समावेशन हेतु किसी को पृथक करने के लिए या अलग करने के लिए अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से बालक अपने वातावरण के बीच संतुलन करने या उल्लेख करता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पृथक्करण हमें नहीं करना है बच्चे को, ये हमारा आंसर नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी हमारे पॉजिटिव में तीनों क्षमता संवर्धन, विभागों की भागीदारी, संवेदनशीलता, ये हमारे पॉजिटिव में बाकी हमारे फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा इसका सिवाय इसके फॉलो नहीं कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लाइक करते हैं हाथ में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। फर्स्ट अपने सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, सेकंड है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, थर्ड है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, फोर्थ है समस्या मौलिक होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम को विशेष चिन्हित करती है। जैसे कि बात करती है समस्या कथन में संकेत का अंतर्निहित होना समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है और मानसिक एवं आलोचनात्मक चिंतन इस उपागम की प्रमुख विशेषता होती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका हमारा थर्ड, समस्या कथन को मैं संकेत अंतर्निहित रूप से या रूप में से दिया होता है, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरा परिवार, सेकंड है मेरा प्रिय मित्र, थर्ड है मेरा पड़ोस, फोर्थ है मेरा विद्यालय। तो क्वेश्चन पूछा रहा कि नर्सरी विद्यालय से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है। जैसे कि हमें बात करते हैं नर्सरी कक्षा पढ़ाने वाला बालक या पढ़ने वाला बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने परिवार से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो इस है कक्षा में या शुरुआत करने से मेरा दृष्टिकोण या मानना है, या हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है समूह गतिविधियों के दौरान समाज समिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सेकंड है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, थर्ड है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, फोर्थ है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार का यह गतिविधि करनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा के बच्चे भावात्मक रूप से काफी कमजोर होते हैं, ऐसी कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों में अभिवेदन या विभेदन न करते हुए सभी के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका कौन हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, सेकंड है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, थर्ड है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, फोर्थ है यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा गया है। जैसे कि हमें बात करते हैं यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक कक्षा की व्यवस्था असफल है या कक्षा की व्यवस्था असफल रही है, तो आंसर करेक्ट हो जाए इसका कोई हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लाइक करते जाते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है, जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है, मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह फर्स्ट ऑप्शन अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, सेकंड है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, फोर्थ है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, फोर्थ है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन बोला कि एक शिक्षिका है मोनिका जी जो कि गणित की शिक्षिका है और राधिका से एक प्रश्न पूछती है जो कि राधिका प्रश्न उत्तर नहीं दे पाती है, फिर तुरंत वह मोहन से पूछती है और मोहन उस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा संघर्ष कर रहा होता है तो वो क्या अपने क्वेश्चनों का सब तो बदलती है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जो कि किस प्रकार दर्शा रही है मोनिका जी की। जैसे कि हम बात करते हैं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति मोनिका की यह दर्शा रही है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सेकंड है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, थर्ड है स्मृति, फोर्थ है अनुशासित स्वभाव। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। जब भी बात करते हैं कि किसी विद्यालय में या किसी विद्यालय के शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो आंसर द कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइक करते हैं वीडियो को।
भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, फर्स्ट ऑप्शन है स्वनिम, सेकंड है संकेत, प्रयोग विज्ञान, थर्ड है वाक्य, फोर्थ है रूपिम। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, अभी भी रिपीट हुआ है, एक पहले हमने क्वेश्चन लगाया था सेशन, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो जैसे कि आप बात करते हैं जो कि सबसे छोटी इकाई हमारी यहाँ पे स्वनेम है, इससे थोड़ा सा याद करना अच्छी तरह से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हिंदी के सेट में पूछा था, पैराग्राफ में पूछा जाता है, तो स्वनेम होगा आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है माध्यम, सेकंड है कम से कम, थर्ड है पूर्ण, फोर्थ है उच्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, यह मानसिक आयु और वास्तविक आयु का ऐसा अनुपात है। तो आंसर क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, उच्च बुद्धि लब्धांक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निर्धारित देता है सिवाय, फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि लब्धांक, सॉरी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धांक सॉरी बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, सेकंड है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, थर्ड है विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, फोर्थ है विधिवत तरीकों से सीखने का आजकल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किससे निर्धारित है सिवाय एक के अलावा, एक के एक से नहीं है, बाकी तीन से करेक्टेड है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, एक कुछ या इसको छोड़कर अन्य सभी बुद्धि लब्धांक निर्धारित हैं। जैसे कि बात करते हैं सेकंड, एक प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ये हमारा नहीं है। तो सिवाय इसके अलावा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी हमारे तीनों फॉलो कर रहे हैं इसे, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है नेगेटिव में, बाकी तीन फॉलो कर रहे हैं और एक फॉलो नहीं कर रहा है। तो बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सेकंड है विद्यार्थियों की त्रुटियां, थर्ड है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, फोर्थ है विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो सीखने के आकलन को कौन सा ध्यान नहीं देता है इसके अलावा, यानी सिवाय इसके अलावा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि विद्यार्थी की आवश्यकताओं को छोड़कर बाकी अन्य सभी सीखने के आकलन को पूरा करते हैं, तो आंसर क्या करेक्ट होगा इस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, क्योंकि बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये हमारा सीखने का अभिन्न अंग होता है, हिस्सा होता है, क्षमताएं भी हमारी होती हैं, विद्यार्थी किस प्रकार से सीख सकता है उसी अकॉर्डिंग हमें शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं, अधिगम शैलियां क्योंकि किस प्रकार का हमें वातावरण या एनवायरमेंट क्लास में लाना चाहिए, तो ये हमारे तीनों फॉलो कर रहे हैं। जो कि नहीं फॉलो कर रहा है सीखने का आकलन को, वो हमारा फर्स्ट विद्यार्थियों का आवश्यकता है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं आज में, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनेड़े परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, सेकंड है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, थर्ड है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक अधिगम सॉरी आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, फोर्थ है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा है कि दो जुड़वा बच्चे हैं, एक को तो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से धनी परिवार है उससे गोद लिया गया, दूसरे को निर्धन परिवार से लिया गया है, तो दोनों का जो बुद्धि लब्धांक होगा वो किस प्रकार से होगा, उसे हम अवलोकित किस प्रकार से कर सकती हैं एक सर्वाधिक तरीके से, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को अधिक प्रभावित नहीं करता है, तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लाइक करते हैं हाथी हाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सेकंड है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, थर्ड है बाह्यकारक, फोर्थ है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सा सीखने के लिए अधिकतम अभिप्रेरित करता है, सबसे ज्यादा सीखने के लिए कौन सा ज्यादा अभिप्रेरित करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करती है, जो कि सीखना या अच्छा सीखना प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देंगे इसका। जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहाँ पे बच्चे ने क्या प्राप्त किया है, 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो 75 रख लेंगे इज इक्वल टू कर देंगे बुद्धि लब्धि के, 75 रख लेंगे फिर इंटू कर देंगे, फिर मानसिक आयु को मानसिक आयु मान लेंगे और अपॉन में 16 रख देंगे क्योंकि 16 वर्षीय बच्चा है यहाँ पे, और इसे 75 रख देंगे इस प्रकार से कर देंगे इसे और इसे इंटू कर देंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड करके तो यहाँ पे मानसिक आयु कर देंगे और यहाँ पे 16 रख देंगे, ठीक है। फिर इसका क्या कर देंगे, डिवाइडेशन करेंगे, फिर इसे पलट देंगे। क्यों पलट देंगे, क्योंकि मानसिक आयु उसके इजिक्वल टू ले लेंगे, तो मानसिक आयु इजिक्वल टू 75 इंटू 16 अपॉन 100, दोनों का इंटू प्लस कर देंगे और भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 12 वर्ष। तो आंसर क्या करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे सेकंड। फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार हम इसे जरूर कराएंगे। दोस्तों सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलाएंगे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।